गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देख लेते हैं, आज है 15 जुलाई 2023। 15 जुलाई 2023 से डेली करंट अफेयर की क्लास में जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे हम आपके समक्ष डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताएंगे। तो चलते हैं अपने हम आज के पहले प्रश्न की तरफ। देख लेते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा बना हुआ है जो पेपर के माध्यम से आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अभी हमारी वर्तमान में SSC CGL की परीक्षा चल रही है, उसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन अवश्य ही आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इस सेशन को देखना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा बना हुआ है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस सेशन को शेयर नहीं किया है तो आप लोग इसे शेयर अवश्य करते रहें। तो देख लेते हैं पहला प्रश्न, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है? तो ये 11 जुलाई को, या फिर 12 जुलाई को, या फिर 14 जुलाई को, या फिर 15 जुलाई को। तो विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है ये आपको बताना है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 4, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया है। ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस और राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस एवं चार्टर अकाउंटेंट डे मनाया जाता है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस और 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस और 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली दिवस भाषा दिवस मनाया जाता है। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग डे मनाया जाता है। तो ये थे हमारे अभी तक के जुलाई माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, मतलब महत्वपूर्ण दिवस। तो आज का हमारा लक्ष्य है 50 लाइकों का, और आप लोग प्रत्येक व्यक्ति 50-50 लोगों के पास इसे शेयर अवश्य करेगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? तो ये LVM3M1 है, या फिर LVM3M2 है, या फिर LVM3M3 है, या फिर LVM3M4 है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 4, LVM3M4 प्रकार का ये रॉकेट है जिससे चंद्रयान 3 को अभी सफलतापूर्वक 14 जुलाई को प्रक्षेपित किया गया है। तो देख लेते हैं इसरो। तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969, इसकी जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो ये बेंगलुरु है। इसके हेड कौन है? तो हेड है इसके एस सोमनाथन। कौन है? इसके हेड हैं एस सोमनाथन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है? तो ये बिहार ने, राजस्थान ने, उत्तर प्रदेश ने, या फिर छत्तीसगढ़। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 4, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के मुख्यमंत्री के द्वारा औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन पैकेज की हाल ही में घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ में वन्यजीव अनुकूल राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। TS सिंहदेव छत्तीसगढ़ के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं। छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी में गोंडी बोली में साप्ताहिक बुलेटिन जारी किया गया है, और विश्वभूषण हरिचंद्रन ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में हाल ही में शपथ ली हुई है। अगला है, कुई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने में प्रस्ताव को मंजूरी किस राज्य सरकार के द्वारा दी गई है? तो ये राजस्थान के द्वारा, या फिर उड़ीसा के द्वारा, या फिर छत्तीसगढ़ के द्वारा, या फिर कर्नाटक के द्वारा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 2, उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा कुई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव दिया गया है। भारत की पहली AI एंकर लीसा का अनावरण उड़ीसा में किया गया है। उड़ीसा सरकार जल्द ही मो जंगल जामी योजना शुरू कर रही है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने अम्मा पोखरी परियोजना का शुभारंभ किया है, और उड़ीसा सरकार ने वन कर्मियों को अग्नियास्त्रों के प्रयोग के लिए छूट प्रदान की हुई है। उड़ीसा एकमारा परियोजना से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कुमुर्ची राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में रहा है या किस राज्य में है? तो ये गोवा में है, गुजरात में है, तमिलनाडु में है, या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है, ये तमिलनाडु राज्य का कुमुर्ची राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में रहा है, और ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत को अपना 36वां उड़ान प्रशिक्षण संगठन तमिलनाडु में मिलेगा, और 2023 में भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक के रूप में तमिलनाडु उभरा है। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट चेन्नई में शुरू की गई है, और तमिलनाडु में हाथी की ली गई तस्वीर ड्रोन फोटो अवार्ड विजेता बनी है, और तमिलनाडु ने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप हाल ही में जीती हुई है।
अगला प्रश्न है, किस राज्य में स्थापित होगी देश की पहली ई स्पोर्ट और ब्रेक डांस अकादमी? तो ये उत्तर प्रदेश में होगी, या फिर मध्य प्रदेश में, या फिर राजस्थान में, या फिर हरियाणा में। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 2, मध्य प्रदेश में स्थापित होगी देश की पहली ई स्पोर्ट और ब्रेक डांस अकादमी, कहाँ? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, किस विश्वविद्यालय ने मोटापे और मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए RS1 गेहूं की किस्म को विकसित किया है? तो ये कानपुर विश्वविद्यालय है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, या फिर ICAR, इंडियन काउंसिल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है, पंजाब विश्वविद्यालय के द्वारा मोटापे और मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए गेहूँ की किस्म है PBW RS1 ये विकसित की गई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का 36वां और तमिलनाडु का पहला उड़ान प्रशिक्षण स्कूल सलेम हवाई अड्डे पर स्थापित होगा, कहाँ? तो सलेम हवाई अड्डे पर स्थापित होगा। अगला प्रश्न हमारा है, पारंपरिक औषधियों पर एशियाई देशों के सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये चीन करेगा, भारत करेगा, USA करेगा, या फिर बांग्लादेश। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है, पारंपरिक औषधियों पर एशियाई देशों के सम्मेलन की मेज़बानी भारत देश करेगा। भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप में शामिल हुआ है, भारत ने कुवैत को हराकर 9वीं SAFF चैंपियनशिप जीती है, भारत ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीती है, और भारत को बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव पर UNSG रिपोर्ट से हटा दिया गया है, और भारत ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सड़क नेटवर्क के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है तो आप लोग इसे अवश्य करते रहें अपने दोस्तों के पास। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, PM मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये UK है, या फिर रूस है, जापान है, या फिर चीन। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 1, कहाँ? फ्रांस में नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, कहाँ? फ्रांस में। तो गायक संगीतकार शंकर महादेवन को ब्रिटेन के में डायरेक्टर की मानद उपाधि सम्मानित किया गया है, और यूके के जैन मैरियट को पाकिस्तान में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। यूके ने लाखों फोन पर आपातकालीन अलर्ट सिस्टम का परीक्षण किया हुआ है। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी NSA बैठक कहाँ हुई है? तो ये भारत में, नेपाल में, मालदीव में, या फिर बांग्लादेश। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है, मालदीव में हुई है। मालदीव में कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी NSA बैठक हुई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक प्रिज्म द एंसेंट्रियल एडोब ऑफ रेम्बो का विमोचन हुआ है? तो यह विनोद मंकारा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। सुधा पाई और सज्जन कुमार ने माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व नामक पुस्तक लिखी है। एस हुसैन जैदी ने रॉ हिटमैन नामक पुस्तक लिखी है। रूपा पाई की एक और पुस्तक है द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन, ये भी हाल ही में प्रकाशित हुई है, और अंकित खेमका ने अपनी नई पुस्तक सिम्फनी टू जैज जारी की हुई है। रस्किन बॉन्ड ने द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक हाल ही में लिखी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्रिकेट इतिहास में पिता और पुत्र को आउट करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये हैं रविचंद्रन अश्विन हैं जिन्होंने क्रिकेट इतिहास में पिता और पुत्र को आउट करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हुए हैं। तो देख लेते हैं, वेस्टइंडीज और इंडिया के खिलाफ टेस्ट में रविचंद्रन अश्विन ने तेज नारायण चंद्रपाल का विकेट लिया है। वह टेस्ट में उनके पिता शिव नारायण चंद्रपाल को भी आउट कर चुके हैं। तो आज हम आपको टेस्ट में पिता और पुत्र दोनों को आउट करने के बारे वाले गेंदबाज के बारे में बताने जा रहे हैं। तो ये हैं कौन है? रविचंद्रन अश्विन जी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अभिषेक पाल ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता हुआ है। किसमें? 10,000 मीटर में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, शुक्र के वायुमंडल में फास्फिन गैस की हुई है खोज, कहाँ? तो शुक्र के वायुमंडल में फास्फिन गैस की खोज हाल ही में हुई है। तो आप लोग बताएंगे कि शुक्र के बारे में आप लोग सभी जानकारियां हमें प्रदान करेंगे कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, चीन में दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट JUKE-2 किया गया सफलतापूर्वक लॉन्च, कहाँ? तो चीन में। तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू।
तो बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से भी निर्मित करें कि आपके साथ में महिलाएं स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू। तो अगर आप लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया है तो आप लोग इस सेशन को लाइक और शेयर अवश्य करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।